बायो फ्रॉम फ्रॉम सत्यानारायण चैप्टर नंबर फोर हम कर रहे हैं प्रोटीन से रिलेटेड है एंड वी आर टॉकिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आज के वीडियो का टॉपिक है टर्जरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सो प्रीवियस मेरी वीडियो जो लिंक है उनमें वी हैव कवर्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच वी मीन वेन वी से प्राइमरी स्ट्रक्चर इट मीन बेसिकलीनियर स्ट्रक्चर जहां अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ टेपटाइट बॉन्ड बना के जिंदगी गुजारते हैं देन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर वेयर देयर वॉज आपायरल अरेन्जमेंट जिसको हम एल्फाहलिक्स अरेजमेंट कहते हैं या फिर शीट अरेजमेंट जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं वेन दीज स्ट्रक्चर आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन जब फर्दर रीमॉडल होती है तो वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अज्यूम करती है एंड दिस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या थ्री डायमेंशनल अरेजमेंट इज नोन एज टर्शरी स्ट्रक्चर so it is a compact structure with hydrophobic sides of the protein chain held toward the interior of the fold and the hydrophilic sides towards the exterior and that should make perfect sense because i mean think about it when this protein is folding so this for example is alpha helix this is beta plated ye protein hai. Ye further jab fold hugi, this domains so there will be outer part of the protein domain is outer part hoga because there is ye agar cytoplasm mein hai, there is water outside तो बाहर वही पोर्शन होगा विच इज हाइड्रोफिलिक और इंटीरियर में वो पोर्शन होगा विच इज हाइड्रोफोबिको फ्रॉमर ठीक है एंड ये जो अरेंजमेंट है प्रोटीन बॉन्ड्स ऑफ द ट्रशी ऑब्वियसली जब हमने बात की थी अल्फा हेलिक्स की भी तभी मैंने आपको बताया था लेट मी टेक यू बैक टू डायग्राम सो अमाइनो ग्रुप सो दिज बॉन्ड्स

वर्ड डोमेन हम यूज करते हैं अक्सर इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज इट्स फंक्शन सो डोमेन्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये लंबी प्रोटीन है दैट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर ये अल्फा हेलिक्स हो गए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाउ द अल्फा हेलिक्स फॉर्म्स अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर सो हो सकता है ये पार्ट जो प्रोटीन का है ये रिसेप्टर से जाके बाइंड करे तो हम इसको नाम देंगे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन सो दोर्शन ऑफ द प्रोटीन विच बाइंडर इंजाइम को एक्टिवेट करता है तो इसको हम नाम देंगे इंजाइम एक्टिवेटिंग डोमेन सो डोमेन का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द प्रोटीन अलॉन्ग विद इट फंक्शन ठीक है मोर डोमेन सो

The structure then the uh, helical all the sheet structure and then the three dimensional structure which we call domains ban jate, okay so the three dimensional structure is known as the tertiary structure now sometimes what happens most of the proteins are primary secondary or tertiary structure the end but sometimes like we have hemoglobin for example so hemoglobin mein there are multiple uh, protein chains so a globin unit there is second globin unit third globin so there are multiple globin units so one uh, peptide

subunit so you can call it by different names so there are four subunits there are four monomers and this structure is then known as quaternary structure so quaternary structure key definition okay so great majority of the proteins are composed of single polypeptide chain some of the proteins however consist of two or uh, more than two polypeptides which may be either identical or unrelated uh, नहीं हो सकता अलग अलग हो सकती है, so, अब ये जो पूरा प्रोटीन है इसको हम या तो कहते हैं क्वार्टर स्ट्रक्चर या इस पूरे को नाम दिया जाता है ओलिगोम और ओलिगोमर के अंदर ये जो सिंगलिट्स हैं दीज आर कॉल्ड मोरमर्स सो मेनी मोरमर्स मेक एन ओलिगोमा मोनोमर्स ये मैंने आपको बता दिया और सब यूनिट्स ये भी मैंने आपको बता दिया प्रोटोमर भी इनको कहते हैं सो कॉल इट मोनोमर प्रोटोमर और सब यूनिट अगर दो सब यूनिट्स हैं तो इट इज नॉन एज ए डायमर और अगर फॉर एग्जाम्पल चार होंगे तो दैट विल डिपेंडिंग अपॉन हम कितने सब यूनिट्स की बात कर रहे हैं ओके okay? अब जाहिर है जब डिफरेंट सब यूनिट होंगे प्रोटीन के और हर एक का अपना प्राइमरी सेकेंडरी ट्रस्टरी स्ट्रक्चर है तो ये चार अगर किसी प्रोटीन में मोनोमर्स हैं सो ये भी आपस में uh, कोई ना कोई फोर्स के साथ अटैच होंगे सो देर आर बॉन्ड्स इन द क्वारनरी स्ट्रक्चर ओके एंड द मोनोमरिक सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स नेमली द हाइड्रोजन बॉन्ड्स द हाइड्रोफोबिक एंड द आयोनिक बॉन्ड्स अट्रैक्शन दे आर ऑल वीक बट ओवरऑल दे मेक अ गुड स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंस ऑफ द ओलिमरिक प्रोटीन दिस प्रोटीन्स प्ले सिग्निफिकट रोल इन रेगुलेन ऑफ मेटेबॉल एंड सेल फंक्शन क्योंकि इनकी देखें। हिमोग्लेविन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटररी स्ट्रक्चर एसपार्टे ट्रांसोमलेजाइड्रोजन देर आदर इम्पॉर्टेंट इन्जाइम्स और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स विच कैरी ऑक्सीजन सो दीज प्रोटीन्स आर आई वुड से मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द प्रोटीन्स बिकॉज हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और फिर टर्सरी स्ट्रक्चर की जो थ्री डायमेंशनल है लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर वाले मल्टीपल प्रोटीन सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म इंपोर्टेंट फंक्शन सो लुक एट द एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में नहीं है या डिफॉर्म्ड है या ठीक से नहीं बना सो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग सो देोग्लोबिन सो दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कॉटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बट देर इम्पॉर्टेंट ओके अब कौन कौन से बॉन्ड्स हैं विच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर इज एपॉर्टेंट थिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैटेगरी कोवेल्टेंट बॉन्डर सो द कोवल एंड फॉर एग्जाम्पल कैन बी पेप्टाइड बॉन्ड्स जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है कि अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं सो वन इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोवल एंड बाड एंड इज द डायसल्फाइड बॉन्ड डायसल्फाइड बॉन्ड इज बिटवीन Um, you know it's formed by the sulfhydryl groups of two cysteine residues it's a very strong bond actually um, overall strength okay so and they contribute to the structural conformation uh, of the whole protein structure and then there are many categories of non-covalent bonding so for example there are hydrogen bonds uh, and they are actually generated by sharing of hydrogen atoms between nitrogen carbonyl oxygen and different atoms but the hydrogen atoms are shared therefore it is known as हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें सो सिंगल तोड़ना आसान है लेकिन अगर आपके पास हजार माचिस की तीलियां हो तो उन्हें तोड़ना मुश्किल है बिल्कुल ऐसी एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इट इस वीक बट इफ यू टॉक अबाउट दल प्रोटीन जिसमें से फॉर एग्जाम्पल दो हजार अमाइनो एसिड्स है ना इट it is a very strong power then there are hydrophobic bonds another example of non-covalent bonding they are non-polar uh, side chain of the neutral amino acids tend to be attracted to each other by uh, these particular bonds okay and then there are electrostatic it's between the negative charge which is the carboxylic acid group and the positive charge which is the amino group then there are uh, van der Waal forces they actually happen between the electrically neutral molecules so they are also weak bonding patterns but anyways overall uh, so they make a good strength to the structure so overall if somebody asks you okay, what are the different types of bonds involved in protein structure There are either covalent bond examples peptide and disulfide and then there are non-covalent bonds example hydrogen hydrophobic Wonderwall wall forces and electrostatic bonds okay then um, protein structure a uh, given example the human insulin key it consists of two polypeptide chains so a polypeptide chain or dusri polypeptide chain so it's a quaternary structure okay the chain A has glycine at the n terminal. Now this uh, vocabulary, now ये diction जो है ये आपको समझ बनाना चाहिए कि दो chains हैं, एक chain का नाम है chain A और दूसरी chain का नाम है chain B. Obviously हर protein molecule में एक n terminal होता है और एक C terminal होता है. तो यहाँ n terminal पे glycine लगा हुआ है A chain के, so there will be a glycine on the A chain on the n terminal and then on the C terminal there is an asparagine. So if this is C terminal there is asparagine. So that's the configuration of chain A. and if you talk about chain b there is alanine at the n-terminus um, as well as the c-terminus uh, sorry phenylalanine at the n-terminus and alanine at the c-terminus so दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर सो इफ यू टॉकउटीन जिसमें फॉर एक्साम्पल चार मोनोमर्स है या चार सब यूनिट हैं फोर एंड यू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर की जो सब यूनिट वन है उसके एंड टर्मिनस पर कौन सा अमीनो एसिड है उसके सी टर्मिनस पर कौन सा अमीनो एसिड है टोटल अमीनो एसिड कितने हैं सो दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मोलिक्यूल

Um, you know mechanisms for purification of proteins. so proteins can be purified so for example if um, that is um, a breast tumor for example and i take the tissue out and i want to see smaccon proteins hey wo i want to examine them for example so there is a protocol available chemist breast tumor co a tube and then there will be buffers and some chemicals added and blah and blah, and then centrifugation at the end of the day I will have pure protein stuff. Or is protein X-ray crystallographic NMR sakta? And so many other things. I can do hell lot of mass spectrometry or gel electrophoresis or whatever I want. So protein can be isolated from any tissue. ओके सेवरल मैथड्स आर इम्प्लॉइड टू आइजोलेट एंड प्योरीफाई द प्रोटीन्स दे कैन भी फ्रैक्शन दे कैन भी सेंट्रीफ्यूज एच पी एल सी से इनको देखा जा सकता है आइन एक्सचेंज क्रोमेरोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोफोरे सो दीज आर जस्ट द नेम्स परहैप्स दे विल भी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मोमेंट जब तक आप लैब्स नहीं करते बट द आइडिया टू टेल यू इज के प्रोटीन्स कैन बी प्योरीफाइड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर टिश्यू okay so that's all about the protein tertiary and the quaternary and this ends the discussion on the structure of the protein next video we will talk about properties of the protein and then we talk about classification of the protein and that will be end of the story so this chapter is going for me uh, so far so good i hope you are also enjoying remember the structure is composed of primary secondary tertiary and quaternary and primary uh, many proteins end at the tertiary structure some of the complex protein have quaternary structure okay so i hope you like the video if you did please share it with your colleagues and subscribe the channel hit the bell icon and you in the video